मुलायम की बहू अफुणा यादव ने कहा चाचा शिवपाल सपा बसपा गठबंधन को पहुंचाएंगे नुकसान। अफुणा यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने गठबंधन एक बड़ी चुनौती होगी। सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अफुणा यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में हुए सपा बसपा गठबंधन के बारे में कहा कि पूरी कवायद बहुत पहले से चल रही थी, अब जब ये हो गया है तो मायावती और अखिलेश यादव दोनों ही बधाई के पात्र हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सपा बसपा के कार्यकर्ताओं में तालमेल बैठाना दोनों ही नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते अपुणा यादव ने कहा कि सपा बसपा के बीच गठबंधन को लेकर काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, अब जब गठबंधन हो गया है तो दोनों ही दलों के नेताओं के लिए कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य बैठाना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ऐसी भी खबरें आई जब सपा बसपा कार्यकर्ताओं में टकराव की बात सामने आई। इसके बाद अखिलेश जी को कहना पड़ा कि मायावती का नाम पहले आएगा, उसके बाद उनका नाम लिया जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि यह एक चुनौती होगी। मैं चाहती हूँ कि दोनों ही दल मजबूती से चुनाव लड़े, क्योंकि वे 2019 में एक नया मुकाबला हासिल कर सकते हैं। अफुणा यादव ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने गठबंधन एक बड़ी चुनौती होगी। लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर अफुणा यादव ने कहा, अभी मैं यह नहीं कर सकती कि मैं चुनाव लड़ूंगी या नहीं। मेरे पॉलिटिक गुरु नेताजी मुलायम सिंह यादव हैं और मुझे उनसे हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है। लोहिया जी के बाद वर्तमान में मुलायम सिंह यादव सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं। नेताजी जो तय करेंगे मैं वही करूंगी। बीजेपी से टिकट का ऑफर मिलने के सवाल पर अपूर्णा ने कहा, हमेशा भविष्य में नहीं जीना चाहिए, हमें वर्तमान में जीना चाहिए। मैं नहीं कह सकती कि भविष्य में क्या होगा। चाचा शिवपाल पहुंचाएंगे नुकसान। शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया गठबंधन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। इस सवाल के जवाब में अपूर्णा ने कहा, जब चाचा जी समाजवादी पार्टी में थे तो वे पार्टी के एक बड़े चेहरे थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें मजबूरी में एक नई पार्टी बनानी पड़ी। वह निष्पक्ष रूप से कुछ वोट काटेंगे क्योंकि उनके एक अच्छी पकड़ है। राम मंदिर मुद्दे को चुनाव में राजनीतिक रंग देने के सवाल में अपूर्णा ने कहा, मैं तो चाहती हूँ कि इस मुद्दे पर जो भी कुछ होना है, चाहे वह मस्जिद बने या फिर मंदिर बने, सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द निर्णय ले। इस मुद्दे पर राजनीतिक दल कई सालों से सियासत कर रहे हैं। भगवान ईश्वर अल्लाह ये सभी आस्था के विषय हैं। हमारा जो देश है वह विश्वक्ष रूप से संस्कृति देश है। विश्व में इसकी छवि धर्म निरपेक्षता की है, क्योंकि चुनाव है तो इस पर सियासत हो यह अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर तुरंत निर्णय लेकर मामले का निपटारा करना चाहिए। अपूर्णा यादव ने यह भी बताया कि वह 24 जनवरी को प्रयागराज कुंभ जाएंगी, उससे पहले 22 जनवरी को वह गोरखपुर जा रही हैं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट कर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।